नमस्ते फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और मैं फिर से आ गई हूं आप सबके लिए नया मेकअप लुक लेके। और इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूं। तो मैं लेने वाली हूं चैलेंज, यस, और वो भी रिवर्स मेकअप चैलेंज। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ये लुक कैसा बाहर आएगा, किस तरीके से मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। पर लेट्स ट्राई कि हम मेकअप में क्या नया कर सकते हैं और वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो इस चैलेंज में मैं जो भी हमारा जो मेकअप स्टेप्स है वो मैं लास्ट से फर्स्ट तक फॉलो करूंगी। मतलब जो फर्स्ट में हम फॉलो करते हैं वो हम लास्ट में करेंगे और जो लास्ट में फॉलो करते हैं वो हम फर्स्ट में करेंगे। तो चलिए लेट ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने हेयर को अच्छे से टाई कर लिया है तो अब ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे मेकअप के वक्त, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी सबसे पहले फेस पे। तो ये मेकअप का पार्ट नहीं है, ये आपका स्किन केयर का पार्ट है। पर इसे मैं इसलिए हमेशा हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ क्योंकि सब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से आपकी स्किन अच्छी रहती है। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बेस है ना वो बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस तरीके से बाहर आता है और आपको कोई भी चीज ब्लेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ आज गुड वाइब्स का ये रोज हिप सीरम, फेस ऑयल बोल सकते हैं आप। अब मैं यहां पे चीट करने वाली हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले लगाते हैं प्राइमर जब मेकअप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फाउंडेशन के ऊपर तो हम प्राइमर लगा नहीं सकते, तो इसीलिए हमें इसे पहले ही लगाना होगा। तो इसे और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का प्राइमर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा रिवर्स मेकअप चैलेंज। तो सबसे लास्ट में हम लोग फिक्सर अप्लाई करते हैं, तो वो मैं पहले अप्लाई करूंगी। तो उसके लिए मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और इस पे है एलोवेरा जेल और विटामिन ए, तो ये मेरे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। सेकेंड लास्ट मेरा स्टेप है कि मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, तो अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिप्स को अच्छे से डिफाइन कर लूंगी और लिप्स को डिफाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेला वॉस्टे का ये लिप डिफाइनर। अब मैं अप्लाई करूंगी शुगर का ये लिप क्रेयॉन एंड इसमें मेरा शेड है 12 बेबी हाउसमैन और इसे मैं एक ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, तो उससे पहले मैं इसे ब्रश कर लूंगी। एंड इसे फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का वर्क फ्री आईब्रो डिफाइनर एंड इसमें मेरा शेड है डार्क ब्राउन। Thank you.
अब हम अपना आईज करेंगे, तो सबसे पहले मैं यूज करूँ कंसीलर। एंड इसे मैं शुगर के कॉम्पैक्ट से सेट कर लूंगी। अब मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप, एंड उसके लिए मैं ले रही हूँ SFR का ये आई फोटो 11 प्रो मैक्स आई शेडो पैलेट। एंड सबसे पहले मैं ये लाइट शेड से स्टार्ट करूंगी, इस वाले शेड से। देन मैं फिर ये डार्क वाला शेड अपने आउटर कॉर्नर से अप्लाई करते हुए मिडिल तक लेके आऊंगी। डार्क पिंक शेड है, इसे मैं फिंगर के हेल्प से अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडिल तक अप्लाई करूंगी। देन मैं सेम ये डार्क शेड जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था, उसे ही मैं ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का आई स्टूडियो लास्टिंग ड्रामा जेल लाइनर, एंड इससे मैं एक विंग आई लाइनर ड्रॉ करूंगी। लाइनर मेरा अप्लाई हो चुका है, अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। एंड मस्कारा के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का द ग्लॉसल वॉल्यूम मस्कारा। अब मैं करूंगी कॉन्टोर, और कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइट का प्रो कंसीलर HD डेफिनेशन कंसीलर, एंड इसमें मैं थोड़ा डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी।
कॉन्टोर हमारा हो चुका है। तो जैसे कि हम स्टेप्स लास्ट में कर रहे हैं, जैसे फाउंडेशन वाला स्टेप हम लास्ट में करेंगे, तो अगर इसके ऊपर मैं कोई पाउडर बेस का कॉन्टोर यूज करती हूँ या फिर ब्लश यूज करती हूँ, हाइलाइटर यूज करती हूँ, तो वो बिल्कुल भी आपका शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन लगा लेंगे तो फिर सारा कुछ एकदम प्लेन लगेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ये वाला चैलेंज यूज कर रहे हो अपने मेकअप के लिए, तो आप हर चीज लिक्विड ही यूज करो। तो मेरे पास कोई लिक्विड ब्लश नहीं है, तो मैं रेड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मालियो का मेरा लिक्विड रेड लिपस्टिक। अब मैं यूज करूंगी हाइलाइटर, एंड हाइलाइटर के लिए मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड हाइलाइटर। इसमें मेरा शेड है गोल्डन। एंड फाइनली अब हम यूज करने वाले हैं फाउंडेशन। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, एंड इसमें मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज। मैं फिंगर की हेल्प से डैबिंग में पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी डॉट डॉट करके। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो इस चैलेंज में मुझे तो ये सीखने को मिला कि अगर हम लिक्विड ब्लश एंड कॉन्टोर फाउंडेशन से पहले करते हैं, तो वो काफी ज्यादा नेचुरल लगता है। आप देख सकते हैं कि मेरे चिक्स कितने ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं, एंड काफी अच्छे से हाईलाइट भी हो रहा है फेस, कॉन्टोर भी, नोज काफी अच्छे से कॉन्टोर हुआ है, चीक बोन्स काफी अच्छे से, जॉ लाइन काफी अच्छे से कॉन्टोर हुआ है। तो हम ये स्टेप फाउंडेशन से पहले भी कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा नेचुरल लगेगा। तो मैंने तो इस चैलेंज से ये सीखा, और आपने इस चैलेंज से क्या सीखा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जो भी नए वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बाकी तो आपको पता ही है, इस तरीके से अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।